प्रिय छात्रों आज हम चर्चा करेंगे पारिस्थितिक कारकों के बारे में जैसा कि आपको ये जो लाइनर डायग्राम है इसे समझ में आ रहा होगा कि जो कारक हैं या पर्यावरणीय कारक हैं उनको दो भागों में बांटा जा सकता है पहले हैं एजैविक कारक और दूसरे हैं जैविक कारक एबायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर अजैविक कारकों को पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है पहला है फिजिकल या भौतिक और दूसरा है केमिकल या रासायनिक फिजिकल कारकों में हम मुख्यतः तापमान अर्थात टेम्परेचर प्रकाश अर्थात लाइट जल अर्थात वाटर आदरता अर्थात ह्यूमिडिटी मृदा अर्थात सोयल और करंट एंड प्रेशर इनकी चर्चा करेंगे और साथ ही रासायनिक कारकों में एटमॉस्फेरिक गैसेज है पी एच और न्यूट्रिएंट्स हैं पोषक तत्व हैं पोषक तत्वों को भी दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं पहले हैं अर्थात सूक्ष्म मात्रिक तत्व और दूसरे हैं माइक्रोन्यूट्रिय अर्थात वृहद मात्रिक तत्व इसी प्रकार से जो दूसरे पर्यावरणीय कारक हैं या कारक हैं वह है जैविक कारक बायोटिक फैक्टर इनको भी दो भागों में बांटा जा सकता है पहला है इंटरा स्पेसिफिक बायोटिक फैक्टर्स अर्थात अंत जातीय अंतरा जातीय पारिस्थितिक कारक या जैविक कारक के नाम से जाना जाता है और दूसरे हैं इंटरस्पेसिफिक अर्थात अंतर जातीय अंतराजातीय या अंतर जातीय जो जैविक कारक हैं उनको पुनः दो भागों में बांटते हैं पहले हैं सहयोगी कारक और दूसरे हैं असहयोगी कारक सहयोगी कारकों में कोलोनाइजेशन अर्थात निवीकरण सोशल फॉर्मेशन अर्थात समूह निर्माण या समाज निर्माण तीसरा है एग्रीगेशन एकत्रित होना और फोर्थ है पेरेंटल केयर पैतृक रक्षण तथा ऐसे योग्य कारकों में भोजन प्रतिस्पर्धा फूड कंपटीशन और सीमित शत्रुता अर्थात डेफिनेट हॉस्टेलिटी प्रकार के कारकों को रखा गया है अंतर जातीय कारकों को भी दो भागों में बांटा गया है सहयोगी और असहयोगी सहयोगी कारकों में सहजीवन एक मुख्य बिंदु रखा गया है जिसको दो भागों में बांटा गया है म्यूचुअलिज्म एंड कॉमनजलिज्म सौपकारिता और सहभोजिता म्यूचुअलिज्म को भी दो भागों में बांटा गया है एविकल्पी एमविकल्पी। इसी प्रकार ऐसा कारकों में चार प्रकार की क्रियाएं या चार प्रकार के कारक मुख्य हैं पहला प्रतिजीविता एंटीबायोसिस और दूसरा है प्रेडेशन या प्रभक्षण तीसरा है परजीविता है पैरासिटीज्म और फोर्थ है कंपटीशन या प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा तो ये सभी प्रकार के जो पर्यावरणीय कारक है या पारिस्थितिक कारक है उनको एक टेबल के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है अब सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं एजैविक कारकों में तापक्रम या टेम्परेचर इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे छात्रों आप जानते हो कि ताप वास्तव में वातावरण की गर्मी को नापने का पैमाना है जिसे हम प्राय फर्नाइट या सेंटीग्रेड में प्रदर्शित करते हैं और भी मात्रक हो सकते हैं गर्मी ऊर्जा का एक रूप है तथा जीवन की एक सारभूत आवश्यकता है सभी जीवधारियों को गर्मी सूर्य के प्रकाश में जो रेडिएशंस होते हैं विकिरण होते हैं वहाँ से प्राप्त होती है तथा इसी ऊर्जा से जैविक क्रियाएं चलती है मंडल के विभिन्न भागों में ताप भिन्न भिन्न होता है जैसे ठंडे समुद्रों में माइनस तीन डिग्री जबकि कई रेगिस्तानी क्षेत्रों में एट्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है धरातल से प्रत्येक एक सौ पचास मीटर की ऊंचाई पर एक डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से तापमान कम होता जाता है और आप लोग महसूस करते होंगे जब हिली एरिया पर जाते हो तो वहाँ पर टेम्परेचर आप लोगों को कम मिलता है प्रत्येक प्राणी में ताप की एक सहनशीलता की एक सीमा होती है जिसको सहन कर सकता है इसी आधार पर प्राणियों को प्रतुतापी अर्थात यूरीथर्मल एवं तनुतापी अर्थात स्टिनोथर्मल कहते हैं जैसे उदाहरण के रूप में प्रतुतापी जो है जीव उनमें साइक्लोप्स आता है साइक्लोप्स अर्थात आर्थ्रोपोड्स हैं ओइस्टर आते हैं सीपी जिसको कहते हो टोड मनुष्य आदि जबकि तनुतापी जीवों में स्नेल हैं घोंगे हैं कोरल्स हैं प्रवाल बित्तियाँ हैं मछलियाँ हैं और रेप्टाइल्स हैं ये दोनों प्रकार की जो कैटेगरीज हैं उनके उदाहरण हैं जिस ताप पर प्राणी अपनी जीवन दक्षता दक्षतापूर्वक संपन्न करता है उस ताप को इष्टतम या अनुकूलतम ताप कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं जैसा कि आपको ग्राफ से देखने को मिल रहा है तथा वह न्यूनतम ताप जिस पर प्राणी अनिश्चित काल तक सक्रिय अवस्था में रह सकता है न्यूनतम प्रभावी तापक्रम कहलाता है तथा वह अधिकतम ताप जिस पर प्राणी अनिश्चित समय तक सक्रिय बना रहता है अधिकतम प्रभावी तापक्रम कहलाता है न्यूनतम प्रभावी तापक्रम से नीचे प्राणी चिल कोमा में चला जाता है इसी प्रकार अधिकतम प्रभावी तापक्रम के ऊपर प्राणी हीट कोमा में चला जाता है जैसा कि आप लोग ग्राफ में देख रहे हैं और इस प्रकार के उदाहरण भी आप लोगों को मिल जाएंगे अधिकांश वह तापक्रम सहनशीलता परिसर जिसमें प्राणी अपनी जीवन क्रियाएं सुचारू रूप से चलाते हैं वो प्राय 10 से लेके 48 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का होता है इसके बाद में हम आते हैं कि तापक्रम के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर इसमें पहला प्रभाव जो है वह है उपापचय पर प्रभाव उपापचय क्रियाएं एक विशिष्ट तापक्रम पर संपन्न होती है ताप के बढ़ने के साथ साथ एक निश्चित सीमा तक उपापचय क्रियाओं की गति बढ़ जाती है दूसरा है वृद्धि एवं विकास पर प्रभाव इफेक्ट ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्रैगन फ्लाई का जीवन चक्र गर्म मौसम वाले स्थानों पर एक वर्ष में पूरा हो जाता है जबकि ठंडे प्रदेशों में इसका जीवन चक्र पूरा होने में दो वर्ष का समय लग जाता है ट्राउट छात्रों एक मछली होती है ट्राउट ट्राउट के अंडे 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड की तुलना में लगभग चार गुना तेजी से वृद्धि करते हुए विकसित होते हैं और आप लोगों को पता होगा कि जो प्रवाल है आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में इसकी स्टडी की है प्रवाल जो है वो 21 डिग्री टेम्परेचर या 21 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर ही विकसित होते हैं उससे नीचे वो विकसित नहीं हो पाते हैं। तीसरा बिंदु है इसमें प्रजनन प्रभाव इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन विभिन्न जातियों में अलग अलग मौसम में प्रजनन होता है जैसे ट्रेचिटेरस जो कीट है उसमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर लैंगिक परिपक्वता तो आ जाती है लेकिन मादा कीट में अंडों का अधिकतम उत्पादन 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ही होता है चौथा प्रभाव है लैंगिक अनुपात पर प्रभाव इफेक्ट ऑन सेक्स रेशियो डेफनिया और साइक्लोप्स साधारण ताप पर एनिसेक जनन अर्थात पार्थेनोजेनेसिस से केवल मादा संतति उत्पन्न करते हैं जबकि ताप बढ़ने पर यह लैंगिक प्रजनन से नर एवं मादा दोनों प्रकार की संततियाँ उत्पन्न करते हैं अगला प्रभाव जंतुओं के व्यवहार पर प्रभाव जंतुओं के व्यवहार प्रभाव में वातावरण में मौसम परिवर्तन के साथ कई जातियों में प्रवास की क्रिया होती है माइग्रेशन की क्रिया होती है जैसे शीत ऋतु के आगमन पर ठंडे प्रदेशों के पक्षी गर्म प्रदेशों की ओर प्रवास कर जाते हैं माइग्रेशन कर जाते हैं जैसे साइबेरियाई सारस है और भी कई पक्षी हैं जैसे डेमोजिल क्रेन्स है जिसको कुर्जा बोलते हैं जो प्राय आप लोगों ने देखा होगा कि ये रशियन क्षेत्र से अपने राजस्थान की ओर आते हैं ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर मैदानी क्षेत्रों के जो पक्षी है पहाड़ी क्षेत्रों की ओर प्रवास कर जाते हैं इसके उदाहरण में आप लोग हिमालयन तीतर का उदाहरण दे सकते हैं जैसे गर्मियाँ प्रारंभ होती है हिमालयन तीतर मैदानी इलाकों को छोड़ ऊपर पहाड़ी इलाकों की ओर प्रवास कर जाता है अगला प्रभाव है जंतुओं के वितरण पर प्रभाव एटलांटिक लोबस्टर जीरो डिग्री से सत्रह डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाले क्षेत्रों में ही पाया जाता है और प्रवाल जो होते हैं वो इक्कीस डिग्री या उसे अधिक तापमान वाले समुद्रों में पाए जाते हैं और बीस डिग्री से नीचे वाले समुद्रों में नहीं पाए जाते हैं जहाँ का तापमान बीस डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होता है और अंत में है अन्य प्रभाव ठंडे समुद्र की मछलियों की रीढ़ की हड्डी में कसेरुकाओं की संख्या अधिक पाई जाती है प्रोन का शरीर का रंग ताप के बढ़ने पर हल्का होता जाता है और एक किट है जिसका नाम है वाकिंग वाकिंग स्टिक किट उसकी सेप इस प्रकार से होती है जिस प्रकार से वाकिंग स्टिक होती है वाकिंग स्टिक किट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर भूरे रंग का होता है जबकि 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो काला दिखाई देता है छात्रों इसी के साथ में ये टॉपिक कंप्लीट होता है और कल हम लोग लेंगे लाइट अर्थात प्रकाश